हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अरबी क्लासेस। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित बिसेनवा। आज हम पढ़ने वाले हैं का इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट टू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो स्टूडेंट, आपने इसके पहले वीडियो में देखा कि हेल्थ क्या होती है, हाइजीन क्या होती है और इम्यूनिटी क्या होती है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी क्या है, अभी एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, तो हमने देखेंगे अगर हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आ रहा है, ठीक है, पैथोजन को पी से पी लिखूंगा, ठीक है, पैथोजन, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आ रहा है, ठीक है, पी मतलब पैथोजन है हमारा, ठीक है, याद रखना। भी अगर मैं भी लिखूंगा तो वायरस होएगा, पी लिखूंगा तो हमारा पैथोजन होएगा। अगर हमारे बॉडी में पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी पहचान लेंगी कि ये पैथोजन आ चुका है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी सेल एंड नॉन सेल बॉडी को पहचानती है और नॉन सेल बॉडी को जाके मार देती है। तो अगर हमारे बॉडी में पैथोजन आया है तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार देगा, ठीक है। इतनी बात आपने पढ़ ली है। अभी देखो, हमारी बॉडी में पैथोजन आया तो पैथोजन हमारे बॉडी में आके क्या सीक्रेट करेगा, एंटीजीन, ठीक है, हमारे बॉडी में आएगा और एंटीजीन का सीक्रेशन करेगा। हमारे बॉडी में क्या डालेगा, एंटीजीन डालेगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको, पैथोजन हमारे बॉडी में क्या डालेगा, एंटीजीन, ठीक है। और एंटीजीन क्या होता है, एनी फॉरेन सब्सटेंस इनवेडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। अगर पैथोजन हमारे बॉडी में आया तो हमारे बॉडी में क्या डालेगा, एंटीजीन। और जैसे ही वो एंटीजीन हमारे बॉडी में डालेगा तो क्या होगा, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। और क्या स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आ रहा है, अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आ रहा है और अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर रहा है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, तो वो एंटीजीन होता है। हमारे बॉडी में कौन आएगा, पैथोजन। पैथोजन क्या करता है, एंटीजीन हमारे बॉडी में डालता है और एंटीजीन क्या करता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। मतलब कि पैथोजन अपने साथ क्या ला रहा है, एंटीजीन ला रहा है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद एंटीबॉडी, ठीक है, इसके बाद एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी है द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजीन। अगर हमारे बॉडी में पैथोजन आया तो क्या कर रहा है, वो हमारे बॉडी में एंटीजीन डाल रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, एंटीजीन डाल रहा है। जैसे देखो, डब्ल्यूबीसी सेल हमारे बॉडी में होती है, फैगोसाइटिक सेल, अगर कुछ हो गया तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। देखो, हमारे बॉडी में इंफेक्शन जब भी बढ़ा है, तो हमारे बॉडी की डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी क्यों बढ़ती है, हमारे अगर बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में कोई इंफेक्शन होता है तो हमारे बॉडी की डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस इंफेक्शन को मारना रहता है, ये होती है डब्ल्यूबीसी। हमको हम बोलते हैं इसको इम्यून, ये इम्यून सेल में ही आता है, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल हो गए, फैगोसाइटिक सेल, नेक्स्ट सेल, इस टाइप की जो सेल है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी क्या है, एक केमिकल, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव केमिकल सीक्रेट करता है हमारा इम्यून सेल। इतनी बात समझ में आई, यानी कि अगर पैथोजन हमारे बॉडी में आया, हमारे बॉडी में उसने एंटीजीन डाला, तो हमारे बॉडी के पास भैया ऐसी गन नहीं है या ऐसी बांध नहीं है कि जाके वो हमारे, यानी कि जो दुश्मनों को मार सके। बॉडी के दुश्मन यानी कौन है, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे सारी चीजें जो भी वायरसेस है, जब भी उनको मारने के लिए भैया ना तो गन की गरज है, ना बांध की गरज है, ना तोप की गरज है हमारे पास भैया। तो गन बांध एक ही है हमारा, कौन, एंटीजीन। तो क्या होता है, पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो पैथोजन हमारे बॉडी में क्या डालता है, एंटीजीन डालता है। तो एंटीजीन जब भी हमारे जैसे बॉडी में आता है तब हमारे बॉडी को पता चलता है कि हमारे बॉडी में पैथोजन आ चुका है, क्योंकि एंटीजीन आ चुका है। तब क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलेट हो जाता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पास जो बांध वगैरह जो भी है मारने के लिए, वो होता है हमारा कौन, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी होता है, वो क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी को बचाता है किससे, पैथोजन से। एंटीबॉडी जाता है, मार देता है किसको, हमारे
पैथोजेंस को। इतनी बात क्लियर, अगर हमारे बॉडी में एंटीजन आया, एंटीजन कौन लाएगा, पैथोजन, हमारे बॉडी में पैथोजन आया तो हमारे बॉडी में एंटीजन आएगा, ठीक है। पैथोजन ने हमारे बॉडी में एंटीजन लाया, उसको बचाने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, इम्यून रिस्पॉन्स यानी इम्यून सेल, ठीक है, इम्यून सेल ने क्या किया, हमारे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया, ठीक है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया, और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडी ने जाके किसको मार दी, पैथोजेंस को। इतनी बात क्लियर, ये था हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी। इतनी बात आपने एंटीजन समझ लिया, आपने एंटीबॉडी समझ लिया। इसके बाद है हमारी इम्यूनिटी के टाइप्स, यानी कितने टाइप की इम्यूनिटी है जो कि हमको पैथोजन से बचाते हैं, मतलब कि आपको बचाता कौन है पैथोजन से, इम्यूनिटी। तो कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, हम वो देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है हमारा, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो कि पैदाइश है, जिस जिससे आप पैदा हुए हो, यानी आपका खानदानी है ना, वैसी है ना, ये जो है वसीयत है ना, कि जीन से आया हुआ है, ठीक है। ये कहां से आया हुआ है, आपके पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स से आया हुआ है। इनेट इम्यूनिटी मतलब कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होता है, जो कि पेरेंट्स से आया होता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि एडेप्टिव इम्यूनिटी, जब आपको कभी इसकी जरूरत पड़ी तब आपने इसको अपने बॉडी में अडेप्ट किया हो, इसको अपन एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये कब, जब अपने को नीड हो, ठीक है, नीड रहेगी तब हम इसको अडेप्ट करते हैं, ठीक है, अडेप्ट करते हैं, ठीक है, इसको अपन अडेप्ट करते हैं, जब अपने को नीड है, इसको अपन अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये क्या इम्यूनिटी है, तो हमारे पेरेंट्स से आता है, ठीक है, जीन से, ठीक है। जीन मतलब कहा, जीन क्या होता है हमारा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डी एन ए। जीन हमारा क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो हमारी इनबोर्न इम्यूनिटी है, मतलब कि इनेट इम्यूनिटी, कब, ये हमारे पेरेंट्स से ही होती है, यानी कि जीन से ही होती है। और हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमको जब कभी नीड थी, हमको इसकी कभी जरूरत थी, तब हमने इसको हमारे बॉडी में अडेप्ट किया हुआ था, है ना। बचपन से लेके हमको बहुत सारी वैक्सीन लगती है, बहुत सारे डोजेस लगते हैं बचपन में, 1.5 महीने के, 3 महीने के, 9 महीने के, रोटरा वायरस, पोलियो वायरस, ये सब क्या था, ये सब हमारी इम्यूनिटी के टाइप है, ठीक है, ये वैक्सीनेशन हमारी इम्यूनिटी है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक देखा कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है, ठीक है, अभी, और हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में मेरा इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के कुछ टाइप है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कुछ टाइप है। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो कि मेरे को पैदा ही से है, इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि अपन ने जब पैदा होने के बाद, हमको जब उसकी कभी नीड लगी तब हमने दी, ठीक है। तो अभी क्या है मेरा इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में भी कौन-कौन होते हैं, एंटीजन सरफेस, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू, सेलुलर फैक्टर इन इनेट इम्यूनिटी, फीवर, एक्यूट हेल्थ प्रोटीन, ठीक है, जो कि हम उसको एप्स बोलते हैं, ठीक है। ये है मेरा इनेट इम्यूनिटी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको पेपर में पूछा गया है कि इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक है इनेट इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी में सारी चीजें आती है जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एपिथेलियल सरफेस में आपका इसे स्किन आता है, ठीक है, स्किन आता है, याद रखना, ठीक है। बाद में एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू में, सेलुलर फैक्टर, इनेट इम्यूनिटी, फीवर, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आप ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख लेना है, ठीक है। ये क्या, इनेट इम्यूनिटी के कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 5 चीजें आपको याद रहना चाहिए कि हमको आगे पढ़ना क्या है, हमको इनेट इम्यूनिटी में ये सारी चीजें पढ़ना है। अब आएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल एंड नॉन सेल। आपको पता है कि इम्यूनिटी में क्या करता है हमारी बॉडी, सेल और नॉन सेल बॉडी यानी सेल्स को पहचानता है, ठीक है, कि सेल कौन थी, नॉन सेल कौन थी। अगर नॉन सेल बॉडी आ गई तो क्या करता है हमारा इम्यूनिटी, जाके उसको मार देते, क्योंकि बाहर से आए ना, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करेगा तो हमारी हेल्थ खराब करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। इसके बाद है मेमोरी। मेमोरी जैसे मोबाइल की मेमोरी रहती है, वैसे हमारे ब्रेन में भी मेमोरी रहती है कि कभी ना कभी कोई डिसीज हुआ था, कभी ना कभी डिसीज हुआ था तो उसका डाटा हमारी मेमोरी में सबमिट रहता है। जब नेक्स्ट टाइम आएगा वही डिसीज तो उसको जल्दी निपटा देगा। वैसे अगर आपको टाइफाइड पहली बार आया होगा कभी भी तो बहुत दिन तक रहा होगा, ठीक है। बट सेकंड टाइम जब टाइफाइड आया होगा तो फर्स्ट टाइम बहुत मेहनत लगी अपने सेल को उसको पहचानने के लिए, भैया की क्या चीज है। बट सेकंड टाइम आया, ठीक है, जैसे आपके में कोई मेहमान आता है पहली बार, आप पूछते हो कौन हो क्या, बट सेकंड टाइम जब आता है तब पहचानते हो कि नहीं, ये मेरा मामा है, ये मेरा फूफा है, जो भी है, ठीक है, ये सारी चीज हो गई।
तो सेकंड टाइम हमने पहचान लिया, तो ऐसी बॉडी सेकंड टाइम पहचान लेती है कि भैया डिसीज कौन था है, और जो डिसीज है उसके लिए हमारी बॉडी बरोबर एंटीबॉडी तैयार रखती है, जाके मार देती है। जैसे पैथोजन आएगा एंटीजन छोड़ेगा, पहली बार पैथोजन आया था एंटीजन छोड़ा तो एंटीबॉडी ने उसको मार दिया। अब अपने बॉडी को पता है कि एंटीजन कौन सा है तो अपने को एंटीबॉडी कौन सी बनाना है। तो ये चारों चीजें है इसमें, ठीक है, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, ये चारों चीजें आपको याद कर लेना है। स्पेसिफिकली डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी पर भी होती है। इसके बाद और है हमारे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, मेरे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या है, ये है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी रहता है। आपकी एक्टिव इम्यूनिटी में दो है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आपकी पैसिव इम्यूनिटी में और दो है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये आपको ये चारों चीजें पूरी की पूरा ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चार्ट पे आपके बहुत सारे मार्क बने हुए हैं, आपका नीट आपका सीटी हो या चाहे आपका नीट हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, आपके लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इनेट इम्यूनिटी में कौन आ रहा है, आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आ रहा है, आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एंटीजन एंटीबॉडी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। हम इसके बाद के वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, उसके पहले आपको एक बार इसको बुक में खुद से पढ़ लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्टार्ट वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहें और हम पर प्यार बनाए रखें। थैंक यू।